नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी पूरी है। जी हां, राहुल गांधी आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। प्रक्रिया जारी है। 90 सेट दाखिल होने हैं, 10 प्रस्तावक देश भर से जो कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव है वो दस्तखत कर रहे हैं। प्रक्रिया बड़ी है, लेकिन इस बीच जो हमला है वो उससे भी बड़ा है। हमला किसी और का नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे मुगलों में ये तय होता था कि औलाद ही गद्दी संभालेगा, ठीक उसी अंदाज में कांग्रेस पार्टी में भी सत्ता किसको मिलेगी, पार्टी के अंदर कौन अध्यक्ष बनेगा ये तय रहता है। जब शाहजहां आए, क्या तब इलेक्शन हुआ था? जब शाहजहां की जगह पे औरंगजेब आए, तब क्या कोई इलेक्शन हुआ था? यह तो पहले से ही पता था कि जो बादशाह है उसकी औलाद को ही सत्ता मिलेगी। कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये खुद मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये पार्टी नहीं है, एक कुनबा है, और उनका किसी का सत्ता पर आने का मतलब है कि बादशाह की औलाद का बैठना। ये औरंगजेब राज, उनको मुबारक। पार्टी नहीं, ये कुनबा है, मुगल शासकों का रुतबा है। जी हां, जैसे उस वक्त पर चुनाव नहीं होते थे, वैसे ही आज भी कांग्रेस पार्टी में तय होता है कि आखिर शासक का जो औलाद है, जो पुत्र है, वही अगली गद्दी भी संभालेगा। और यही कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। सीधे सीधे मुगल शासकों से तुलना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कई खास मेहमान हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार बनी हुई है। आलोक मेहता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहां पर मौजूद हैं। मुझे लगता है रागिनी जी, आपको इसका जवाब एक बार इस अंदाज से भी देना चाहिए कि ये मणिशंकर अय्यर ने भी कहा, और मणिशंकर अय्यर ने भी कहा कि मुगल शासकों के वक्त कौन सा चुनाव होता था, जो सत्ता में है उसी के औलाद को गद्दी दे दी जाती थी, और वही आज भी कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, आपकी पार्टी के भी जो लोग बोलते हैं वो सच को इसी तरह से बयां करते हैं। देखिए, सच क्या है, झूठ क्या है, अंजना जी, ये दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं और जनता के मताधिकार पर छोड़ देते हैं। हाँ। जहां तक मणिशंकर जी की बात है, वो अपने वक्तव्य का स्पष्टीकरण कई चैनल्स पे बार बार दे चुके हैं। मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी, इसीलिए वहां नहीं जाऊंगी। मोदी जी की बात का मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी। क्या पट्टाभी सीतारमैया, एन संजीवा रेड्डी, के कामराज, जगजीवन राम, सीताराम केसरी, नरसिम्हा राव और तमाम नाम गिनवा सकती हूं जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, क्या ये गांधी परिवार से थे? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, गांधी नेहरू परिवार ने इस देश को कई प्रधानमंत्री दिए, न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना इस देश में की। तो पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, राजीव जी, इंदिरा गांधी, और बाद में जब सोनिया जी भी बन सकती थी, जिन्होंने त्याग का बहुत बड़ा एक उदाहरण सामने रखा, इन सब लोगों को जो लोकतंत्र की एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा से निकल कर आए, उन लोगों को मुगल शासकों के साथ जो व्यक्ति जोड़कर देख रहा है, मैं तो उसके लोकतंत्र की समझ पर ही सवालिया निशान खड़ा करना चाहूंगी। मोदी जी की लोकतंत्र में कितनी आस्था है, मोदी जी इस देश में कितना जनता के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं और कितना अधिनायकवादी राजनीति में विश्वास करते हैं, उनके इस आरोप से ही पता चल जाता है। मैं समझती हूं कि देश की सैकड़ों करोड़ जनता का भी अपमान है जिन्होंने बार बार इस परिवार के लोगों को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। रागनी जी, रागनी जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इस मॉडर्न एज में और इस डेमोक्रेसी में आप उस तरह के जो मुगल एरा को फिर से एक बार दर्शा रहे हैं, जहां पर बादशाह जो है किस तरह से बादशाह बनता था। मैं दर्शा रही हूं,
उन्होंने सुन लीजिए आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके यहाँ कोई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं होता। आप प्रमोट कर आप प्रमोशन दे रहे हैं विदाउट परफॉर्मेंस, आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं विदाउट इवैल्यूएशन। क्या कोई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता अच्छा, है कि अच्छा, नहीं? अच्छा। आपने डेमोक्रेसी अमित शाह जी का क्या परफॉर्मेंस था? कड़ी पार होना ही परफॉर्मेंस का मापदंड है। अरे अमित शाह जी ग्रासरूट वर्कर थे, प्रधानमंत्री ग्रासरूट वर्कर थे, क्या ग्रासरूट मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तब क्या परफॉर्मेंस था कि वो संघ के लिए काम करते थे? ये परफॉर्मेंस था, ये इवैल्यूएशन हुआ। पहले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, उसके बाद एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। क्या पीयूष गोयल का परफॉर्मेंस कैसे पता चला आपको? अनुराग ठाकुर का परफॉर्मेंस कैसे पता चला? धर्मेंद्र प्रधान का परफॉर्मेंस कैसे पता चला? आपने उन लोगों को तो सीधा सीधा उठाकर मंत्री बना दिया और अब आप कह रहे हैं कि हम वंशवादी पार्टी हैं। मैं सुन तो लूंगी पर आप कोई तार्किक बात तो करिए। अपनी लोकप्रियता बढ़ा के अपने आप को सिद्ध करके अमित शाह जी का चुनाव हुआ था क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कैसे बने ये बताइए। अमित शाह जी आप बताइए, राजनाथ सिंह जी का चुनाव हुआ था क्या? नितिन गडकरी जी का चुनाव हुआ था क्या? किस तरह से संघ परिवार या नरेंद्र मोदी जिसे चाहते हैं वो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है? आप लोग तो दिखावा भी नहीं कर सकते। आंतरिक लोकतंत्र का आपकी समस्या ये है, जो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष का चुनाव कर रही है उसके ऊपर आपको आपत्ति है? आपकी आपत्ति क्या है? मैं तो अभी तक यही नहीं समझ पा रही हूँ। जिसके अगर नेहरू पर और गांधी परिवार का ग्रिप खत्म हो जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इट विल सीज टू एग्जिस्ट, वो खत्म हो जाएगी, सिमट जाएगी। इसलिए आपको उनका सहारा लेना पड़ रहा है। वंशवाद नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस को दृढ़ता देता रहा है, नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस को स्थिरता देता रहा है, तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। ये बात तो ऐतिहासिक सत्य है, मैं तो इससे मुकर नहीं रही। आप पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं और आप ऐसा, क्या साबित करना चाहते हैं मैं नहीं जानती। मैंने आपको बहुत सारे अध्यक्षों के नाम गिनाए जो गांधी परिवार से नहीं आते हैं। आप मुझे केवल एक उदाहरण दीजिए जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में चुनाव हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, मुझे ये बताइए। कहना चाहते हैं आप वाइस प्रेसिडेंट छोड़िए ना, कौन काबिल है कौन काबिल नहीं है कांग्रेस पार्टी में, आपको क्या समस्या है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो किया है? देखिए जिस देश में भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके जो वंशवाद को बढ़ावा देती है बिल्कुल डेमोक्रेटिक, 9000 डेलीगेट चुनकर आए हैं कांग्रेस पार्टी में, आज और वही लोग निर्धारित करेंगे कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप मुझे जवाब दीजिए ना, अमित शाह को किस तरीके से आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? वो फैमिली प्लीज मुझे बताइए कौन सा चुनाव हुआ था? अगर आप यही बता पाए सवाल जवाब ये आपका फेलियर है, अटक गई है। आपको हमसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। वहां पर सवाल जवाब की सुई जरा अटक गई आलोक जी। देखिए पिछले कई वर्षों से हमने देखा है कि सोनिया गांधी धीरे धीरे ये कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी को वो उस मकाम तक पहुंचा दें कि वो पार्टी की कमान पूरी तरह से संभालें, ये एक सच्चाई है। आज सबके साथ उनकी तस्वीर सार्वजनिक की गई है, जब वो सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष और नए अध्यक्ष बनने वाले मिले वो तस्वीर सिर्फ बाहर नहीं निकाली गई है। वो उससे भागते रहेंगे, ये पीछा करते रहेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन ये तूफान एक दिन तो आना ही था जब भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होता उनका। देखिए ये सही है, देखिए इंदिरा गांधी ने भी राजीव गांधी को सीधे उत्तराधिकारी नहीं बनाया, राजीव गांधी ने भी सोनिया जी को या राहुल को नहीं बनाया, इसलिए ये बड़ा ऐसा अवसर है। नेहरू के समय में केवल इंदिरा गांधी एक बार कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, नेहरू के बहुत बाद में 59 में खाली एक बार वो बनी, इसलिए वंशवाद वाली एक उसके हिसाब से हट करके बात करें, असली समस्या कांग्रेस की लोकतंत्र की दृष्टि से देखें हुई क्या है। आज यदि आप कमलनाथ का नाम लीजिए तो उनके विरोध में ज्योतिरादित्य सिंधिया या दूसरे और नेता दिग्विजय सिंह वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से और कम से कम अंदर तो सब जानते ही हैं कि विरोध हुआ। अशोक गहलोत का नाम लीजिए, ये जो आज भी उनको खास सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट के साथ उनकी नहीं बनती। तो कांग्रेस की दिक्कत ये हुई है कि जो क्षेत्रीय नेता हुए वो ऐसे पिछले 10-15 वर्षों में नहीं, कुछ उनकी भी गलतियां हैं, उन्होंने अपने को एग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ाया कि ठीक है हम उम्मीदवार बनते हैं। कमलनाथ आज आप देखिए तो सहमति नहीं बनती, इसका फायदा परिवार के किसी एक मुखिया को जिसके नाम पर सब तैयार हो जाएं। अब ये सही बात है कि उसके बाद भी पार्टी को बचा के चलाना, संजय या राहुल राजीव गांधी से भी तुलना राहुल की आज तक नहीं हो पा रही है, जबकि उनको 13 वर्ष का अनुभव हो गया। इसलिए जो सारे सवाल उठ रहे हैं रागिनी जी, इसलिए उठ रहे हैं कि पहले 10 वर्ष इतना अच्छा मौका था जब सत्ता में होते हुए, जब राहुल जी ने अपने को बहुत पीछे रखा, उसके वजह से परसेप्शन जो बन गया है कि भाई चूंकि उत्तराधिकारी इसीलिए बन रहे हैं, वो ठीक है वो गांव में गए, उन्होंने और काम किया,
संसद में भी रहे लेकिन संसद में वो लगातार एक्टिव होते। फिरोज गांधी याद करिए, वो तो बुंद्रा कांड में नेहरू के खिलाफ खड़े हुए, इंदिरा गांधी के पति रहते हुए, वो कांग्रेस की परंपरा थी। आज यदि पूना वाला तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत ही बड़े पार्टी के भी अभी पूरे उनको माना जाता है या जो भी काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी में 10 लोग ऐसे खड़े होना चाहिए थे जो लगे कि मनमोहन सिंह की नीतियों से उसके खिलाफ है। मनमोहन सिंह के खिलाफ भी कोई नहीं बोला। आप इसका जवाब देना चाह रही, मुझे पता हाथ उठा रही है, लेकिन आपका जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन लौट रहे, देखते रहिए आज तक। कांग्रेस में राहुल राज माना जा रहा था, राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी तो नहीं, रणदीप सुरजेवाला इस वक्त कांग्रेस दफ्तर पर बोल रहे हैं। आइए आप बोलिए, चलते हैं। कृष्ण अडवाणी जी, केशु भाई पटेल जी, आनंदीबेन पटेल जी, हिरेन पांड्या जी, काशीराम राणा जी, मुरली मनोहर जोशी जी, संजय जोशी जी के बारे में भी अगर प्रजातंत्र की पींग की चर्चा गुजरात और देश को करते तो अच्छा था। हम प्रधानमंत्री जी की इस बौखलाहट को, झुंझलाहट को सिरे से खारिज करते हैं और उनसे विनम्रता से निवेदन करते हैं, शब्दों की शालीनता और राजनीति की मर्यादाओं और परंपराओं को आप तोड़ डालिए। हम गांधी के वंशज हैं, महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था, आपकी हर हिंसा का जवाब हम अहिंसा से देंगे, आपकी हर गुंडागर्दी का जवाब हम शालीनता से देंगे। यही राहुल गांधी जी की सरलता है, यही उनका रास्ता है। मैं आखिरी में केवल ये कहूंगा, देश के पास अब दो मॉडल हैं। एक मॉडल वो है जो चार बार दिन में कपड़े बदलता है, जो चार बार दिन में कपड़े बदलता है, 10 लाख का सूट पहनता है अपना नाम छपवा कर और 4 करोड़ में उस सूट को बिकवाता है, जो जुमलों और लच्छेदार भाषणों पर आधारित है। एक मॉडल कांग्रेस और राहुल गांधी जी का है, जो उनकी सरलता, उनकी सादगी, उनकी साफ गोई और ईमानदारी पर आधारित है। और इसीलिए 42 महीने के आपके कुशासन और 22 साल के गुजरात के कुशासन के बाद देश ने निर्णय किया है कि वो कांग्रेस को चुनेंगे। हार सामने देख प्रधानमंत्री मोदी जी बौखला गए हैं, डरिए मत। अगर आपने सेवा की होती तो आपको मुगल काल से लेकर चीन तक की यात्रा नहीं करनी होती। आप गुजरात के नौजवान, किसान, व्यापारी, दुकानदार, दलित, पिछड़े, उनकी चर्चा कर रहे होते। ये आपकी बौखलाहट और आपकी हार को दिखाता है। धन्यवाद। अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रणदीप सुरजेवाला का बयान साफ साफ ये कहते हुए कि अब देश के सामने दो मॉडल है, आप चुनिए। राहुल गांधी से डरती है बीजेपी, बार बार राहुल याद आते हैं मोदी को, ये उन्होंने आरोप लगाया। बहरहाल वक्त लेकिन हमें इतनी की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सैयद जफर इस्लाम, आपका रागिनी नायक जी और आपका आलोक मेहता जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम लौट रहे तमाम खबरों के साथ, आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।